मेरा नाम अरविंद केजरीवाल और मैं आतंकी नहीं। तिहाड़ जेल से दिल्ली सीएम ने भेजा भावुक मैसेज। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ जेल में आतंकियों जैसा व्यवहार हो रहा है। वहीं कल सोमवार को जेल में केजरीवाल से मिलने गए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया गया। उन्हें शीशे की दीवार को बीच में लाकर जेल में मुलाकात कराई गई। वे बहुत अपमानजनक कार्रवाई कल हुई है। यह केंद्र की दुर्भावनापूर्ण प्रतिशोध की कार्रवाई है। 24 घंटे केजरीवाल पर CCTV कैमरे से नजर रखी जा रही है। यह प्रताड़ना की कार्रवाई है, मगर अरविंद केजरीवाल टूटने वाले नहीं। मोदी जी की इस तानाशाही से केजरीवाल डरने वाले नहीं। दूसरे कल भारत के प्रधानमंत्री ने एक साक्षात्कार दिया है। प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को निराश किया। भारत के सबसे बड़े घोटाले पर वे नहीं बोले, जिसमें इलेक्ट्रोलर बॉन्ड के माध्यम से 8,000 करोड़ से अधिक का घोटाला किया गया। ये महाघोटाला है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है और महाघोटाला सामने आया। भाजपा अभी तक की देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी, भाजपा को झूठ बोलने में महारत है। शराब कारोबारी शरत चंद्र रेड्डी से भाजपा ने 60 करोड़ की रिश्वत ली है, ये साफ हो चुका है। यह वही रेड्डी है जिसे ईडी ने दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले का मुख्य आरोपी बनाया था।